हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपको देखिए कोहड़ा की सब्ज़ी बता रही हूँ बनाने के लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। देख सकते हैं कितने ग्रीन है, ये पके हुए नहीं है, कच्चे हैं। आप इसे क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए ये 1 kg मैं ले ली हूँ, इसे अच्छे से वॉश करके अब इसे मैं चले में काट के आपको बताती हूँ। फिर से इसका छिलका मैं नहीं निकालूंगी, इसे बहुत टेस्टी लगता है और बहुत फ्रेश ताज़ा है ये सब्ज़ी। और इसका बीज के पार्ट इस तरह होते हैं, इसे मैं निकाल ली हूँ पूरे बीज को। और इस तरह से अब मैं इसे ना ज़्यादा मोटे ना पतले पीसेस में मैं इसे काटूंगी। देखिए फ्रेंड्स, सारे को मैं काट ली हूँ, देख सकते हैं। देखिए ऐसे ही पीस में से काट लेना अच्छी तरीके से, सारे को मैं काट ली हूँ एक साथ। अब मैं इधर कढ़ाई गर्म करके दे दी थी, अब मैं बड़ी तो जब मैं तेल डालूंगी, अब इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, अब मैं इसमें जीरा डालूंगी थोड़ी सी, एक लाल मिर्च डालूंगी, एक तेज पत्ता डालूंगी और थोड़ी सी हींग डालूंगी। मैं इसमें कटा हुआ सब्जी को डाल देती हूँ, ऐसे दूध में चला नमक डालूंगी। एक चम्मच हल्दी मैं इसे डाल दी छोटे चम्मच में, और इसे मैं ढक के 2 मिनट पकाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, 1 मिनट हो चुका है अभी ढक्कन को निकाल के। और इसमें मसाला डालूंगी, इधर मैं मसाला रेडी करके रख ली थी फ्रेंड्स। 1 चम्मच जीरा, आधा मतलब थोड़ी सी गोल की धनिया पाउडर, लहसुन 5-6 कली और अदरक थोड़ी सी, सबको मैं मिक्स करके इसको पीस ली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालूंगी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। ये सब्ज़ी में चीनी मैंने नहीं डाली, बहुत मीठा खाता है इसलिए चीनी डालता है। मैं सिर्फ तीखा और नॉर्मल खाना पसंद करती हूँ, इसीलिए इसे बनाऊँगी थोड़ा स्पाइसी। इसमें मैं मिर्ची भी 4-5 पीस ली हूँ एक साथ। अब ये मसालों को मैं इस सब्ज़ी में डालूंगी और कम देर से मैं अच्छे से भून लूँगी, मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से भूनी है ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला इसमें अच्छे तरीके से भुना चुका है और थोड़ी देर भुना है, लगभग 1 मिनट और इसे अच्छे से भून लेती हूँ। देख सकते हैं आप, लगभग ये सब्जी पक चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स पक चुके हैं, इसे मैं थोड़ी देर पानी डालूंगी और इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। इसे मैं ढक देती हूँ और मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देती हूँ। चलिए फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुका है, मैं इसे ढक्कन को निकाल के देखती हूँ। देख सकते हैं कितना बढ़िया हुआ है, देखिए सब्जी में पक के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। कितनी अच्छी, बस इसे ऐसे ही रखे और मैं लास्ट में थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल चला देंगे। अब गैस को बंद करके बर्तन में इसे निकाल लेते हैं। आप इसे रोटी पराठा किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। देखिए फ्रेंड्स इसे मैं निकाल ली हूँ, आप देख सकते हैं देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इसे घर पर जरूर ट्राई करें और बताएं कमेंट पे कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। थैंक यू।